शब्द पट्टा विचों मथुरा नाम दे पट ने साहिब गुरु अर्जन देव जी की सिफ सलाह विच उचारण किया है। गुरु अर्जन देव महाराज सिख जगत विच पंजवें गुरु हैं। गुरमत के सिद्धांत के मुताबिक ते जोत एक ही मनी जाती है, सिर्फ जामे बदलते हैं। दसा शरीर दसा जामिया विच गुरु नानक की जोत ही गुरमत के सिद्धांत मुताबिक मनी जाती है। गुरबाणी की गवाही है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब आप फरमाते हैं, पिन पिन सब हूँ कर जानना, एक रूप किन हूँ पहचाना, जिन जानिया तिन ही सिद्ध पाई, बिन समझे सिद्ध हासन आई। पंजवें सतगुरु गुरु अर्जन देव जी ने परोपकार के जगत जीवां के कल्याण वास्ते बहुत महान कार्य किए, जिन्हां विचों एक कार्य बेमिसाल मनिया जाता है। बाकी धर्मां दियां भी बड़िया मुतबर्रक बाणियां हन, पर उन्हां दे उचारण हार दे शरीर छड्डण तो बहुत साल बाद वो लिखत विच आईयां हन। बहुत सारे धर्मां ने इस गल नूं आप खुद मनिया है कि जिस वेले कोई किसी चीज़ नूं रचदा है उहदे शरीर छड्डण तो बाद कई सैकड़े बरस बाद कोई लिखत विच चीज़ आवे तां उहदे विच मिलावट दा आ जाना कुदरती बात है। गुरु अर्जन साहब का महान परोपकार, आपने अपनी शरीरक होण दे हुंदिया ही सारी बाणी गुरु नानक साहब की बाणी, दूसरी पातशाही की बाणी, तीसरी पातशाही की, चौथी पातशाही की बाणी एकत्र करके उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के रूप में भाई गुरदास जी पासों लिखवा दिती। इस बाणी विच किसी भी लग मात्र किसी अक्षर का वाधा काटा नहीं मनिया जाता। जिस तरह पहले सतगुरुआं ने उचारण की बाणी, उस तरह गुरु अर्जन साहब ने इन बिन गुरु ग्रंथ साहब के रूप में लिखवा के एक महान परोपकार का कार्य किया है। और यह तुरकी बाणी इस गुरु ग्रंथ साहब अंदर गुरु अर्जन साहब जी की अपनी रचना बहुत बेअंत है। रागों में महाराज ने बेअंत शब्द उचारण किए हैं, आप सरंदा बजा के खुद गायन करते रहे हैं। तो गुरु अर्जन साहब जी के ये बाकी परोपकारा के कार्यों में एक महान परोपकार का कार्य है, जो गुरु ग्रंथ साहब जी की बख्शिश जगत जीवों के कल्याण वास्ते गुरु अर्जन साहब ने स्थापन की है। गुरु अर्जन साहब की शहीदी बारे, गुरु अर्जन साहब न जहांगीर बादशाह उस वक्त जो हिंदुस्तान का सम्राट सी उहदे हुक्म नाल शहीद किया गया सी। कई इंसान गुरु अर्जन साहब की शहीदी का कारण केवल चंदू दे लड़के नाल लड़की नाल जो गुरु हरगोबिंद साहब का रिश्ता उस तो इनकार करना ही मनते हैं, यह गलत बात है। चंदू ने केवल अपना जो मन विच वैर सी वह लैण का समा मिल गया। वास्तव विच गुरु अर्जन साहब जी दे नाल ईरखा जहांगीर बादशाह दे अपने मन विच सी, बड़ी ईरखा दा अग पड़क रही सी। तुसके जहांगीर विच जहांगीर ने खुद गुरु अर्जन साहब की शहादत नूं अपना कसूर मनिया है, क्योंकि गुरु अर्जन साहब जी दे जीवन अते गुरु अर्जन साहब दे मिठे प्यारे बचन, गुरु अर्जन साहब दे जो समाज भलाई वास्ते किए परोपकार के कार्य, गुरु अर्जन साहब की गरीब नवाजी, गुरु अर्जन साहब के दरबार का लंगर वेख के बहुत सारे हिंदू अते बहुत सारे नेक दिल मुसलमान भी गुरु अर्जन साहब के शरदालु बन चुके सन। साई मियाँ मीर वर्गे गुरु अर्जन साहब के अनन भगत बन चुके सन। गुरु अर्जन साहब ने दरबार साहब श्री हरिमंदर साहब की नींह भी साई मियाँ पीर पासों रखवाई सी। तो जहांगीर मौलवियों के मगर लग के जो तस्बी सन, जहांगीर के मन में यह बड़ा खदशा पैदा हो गया कि गुरु अर्जन देव की महिमा बहुत फैल रही है अते गुरु अर्जन दे श्रद्धालु हिंदू और बहुत सारे मुसलमान भी बनते जा रहे हैं, ऐसा ना होवे ये लहर जोर पकड़ गई ते किसे मौके ये लहर मेरे वास्ते कोई खतरनाक साबित ना होवे, जो कि उहदा सरासर भुलेखा सी। जहांगीर बादशाह ने ये विचार करके, क्योंकि मौलवी मुलाने चाहते सन कि इस्लाम का ही प्रचार होवे, ते गुरु अर्जन साहब जी नूं शहीद करन दा हुक्म इस जहांगीर बादशाह ने आप खुद दिता है, तो उसके जहांगीर विच उहदा जिक्र आउंदा है कि इस गुरु नूं पकड़ के जा मुसलमान बनाया जाए, जा इहनूं शहीद करके इहदा घर घाट जब्त करके वह मुर्तज़ा खां को उसनूं दे दिता जाए।
इस वास्ते गुरु अर्जन साहब जी की जो शहादत है इहदा कारण जहांगीर बादशाह दे मन विच पाई हुई गुरु साहब दे मुतलक नफरत और जहांगीर दे मन विच जो तसब दी अग सी ओ कारण सी जिस वास्ते गुरु अर्जन साहब जी नूं शहीद किया गया है। तो गुरु अर्जन साहब की महिमा विच जिहड़े पट सज्जन बड़े विद्वान भी सन अते उन्हां नूं आत्मक शांति भी गुरु अर्जन साहब के चरण शरण विच आ के प्राप्त हुई सी। उन्होंने गुरु अर्जन साहब नूं अंदरलियां अखां नाल पछाणिया तो उन्हां विचों एक पट ने जो गुरु अर्जन साहब के बारे अपने ख्याल अपनी श्रद्धा के फुल भेट किए हैं वह एक शब्द आप जी की सेवा विच कीर्तन द्वारा भेटा है। कल घोर सम
संकट जोन गर्भ ना आयो। फिर संकट जोन